कंधे टूट चुके हैं, पैरों से खून आ रहा है, इसलिए आपको 40 पाउंड्स देने पड़ेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रणव, यू गाइस आर वाचिंग जोशिंग अराउंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ इज ब्रीफ, डोंट लेट दैट गेट यू डाउन, डोंट लेट दैट गेट यू डाउन। तो अगर आप अभी इस व्लॉग में आए हो तो मैं बता दूं ये लास्ट व्लॉग है, क्योंकि मैं अभी लंदन में हूँ और ये मेरा लंदन का लास्ट व्लॉग है। अगर सारे व्लॉग देखने तो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पूरे लंदन के सारे व्लॉग्स बनाए हैं। टुडे इज द लास्ट डे और आज मैं यहाँ से लंदन से वापस जा रहा हूँ आयरलैंड। तो अभी मैं हूँ पिम्लिको स्टेशन पे, पिम्लिको एक अंडरग्राउंड यहाँ पे ट्रेन होती है, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है और एक शिफ्ट करनी है टॉटनहैम पे, फिर टॉटनहैम से कॉल लेनी है स्टैंडस्टेड एयरपोर्ट जाने की, मैंने स्टैंडस्टेड एयरपोर्ट से मेरी वापसी है। तो गुड थिंग अबाउट दिस इज कि जब मैं यहाँ पे लंदन आया था तो मैंने लूटन से आया था, लूटन से यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं होती थी, अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं थी और ना ट्रेन कनेक्टिविटी थी भी, तो मुझे ढंग से समझ नहीं आई थी। ऑन दी अदर हैंड अब यहाँ से मुझे स्टैंडस्टेड जाना है तो स्टैंडस्टेड का एक घंटे का रास्ता है, तो यहाँ से मुझे एक स्टॉप पर जाना है, वहाँ से चेंज करके फिर स्टैंडस्टेड की डायरेक्ट ट्रेन है, तो वो जर्नी मैं आपको इसको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। अभी चलते हैं, ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा दूसरा बैग, काफी ज्यादा बैग भरे हुए हैं इस वक्त, और चलते हैं यहां से स्टैंडस्टेड। बैग और इतने सारे बैग लेके ऐसे ट्रैवलर वाली फील आ रही है, और सबसे अच्छी चीज आगे मुझे ये लगती है, ये देखो इतने बड़े एक्सेलेटर बैग, और कितना खोदा होगा नीचे तक भाई, इसमें 5 किलो इसमें लग रहा है, 10 किलो उसमें लग रहा है भर के। तो अभी ड्यूटी फ्री भी आ रहा है, ड्यूटी फ्री से भी अभी सामान उठाएंगे, लोगों के कॉल आ गए थे कि हमारे सामान लेके आएगा, मैंने कहा ले आऊँगा। तो देख लो भाई लंदन से कैसे जाना होता है, मैं अभी इस वाली लाइन पे हूँ, मैं अभी पिम्लिको पे हूँ, तो पिम्लिको से मुझे ट्रैवल करना है, तो ये सारे वो आएंगे और मुझे उतरना है टॉटनहैम हिल पे, और यहाँ से फिर मुझे चेंज करनी है इसकी स्टेट ट्रेन टू स्टैंडस्टेड, तो ये वाली मुझे यहाँ से लेनी है, तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ चलते हैं। लाइफ इज ब्रीफ, डोंट लेट दैट गेट यू डाउन, डोंट लेट दैट गेट यू डाउन, इट्स ऑल गोना गो अवे सून। यहाँ पे टॉटनहैम हिल पे टॉटनहैम स्पर्स टीम का स्टेडियम भी है, तो अगर आप अभी फुटबॉल मैच भी देखने आ रहे हो और टॉटनहैम का स्टेडियम जाना हो तो टॉटनहैम हिल इज द स्टेशन नेम, और यहाँ से आके आप टॉटनहैम का स्टेडियम भी देख सकते हो। एक और बार टैप इसलिए करना होता है क्योंकि अभी हम अंडरग्राउंड में थे, अब हम ऊपर ग्राउंड में मतलब अपर ग्राउंड आ चुके हैं, तो अभी स्टैंडस्टेड के लिए फिर से, तो यहाँ पे एक और बार टैप करने का, तो हाँ अगर अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड जाओगे 2 बार टैप फिर से करना पड़ता है। It was at this moment that he knew he fucked up. Seen lost, love drop. Long days gone nights. तो देर बैठ जाते नीचे स्टेशन पे ही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे अकेले से अच्छा आराम से बैठ भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, तो बैठ गया हूँ, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आएगी फिर चलते हैं स्टैंडस्टेड एयरपोर्ट। Life pretty heavy, don't you let it stretch your posture. Close your eyes and you might miss it. The first steps, the funeral processions. Bygones is far gone, my... थोड़ा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे कि दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है कि मैंने जैकेट पहनी है, स्वेटशर्ट पहनी है और अंदर एक टी शर्ट पहनी है, क्योंकि मुझे कहीं ना पता है, कहीं ना कहीं ये पता है कि आयरलैंड पहुँचूंगा, आयरलैंड में ठंड होगी, वहाँ पे तो होगी, लेकिन इस वक्त इतनी गर्मी है, जैकेट उतारने का सोच रहा हूँ लेकिन जैकेट उतार नहीं सकते क्योंकि दो दो बैग वैसे ही लगे हुए हैं। Yeah, that is on one. I ate a bunch of bad decisions. So now at the Stansted Airport, आओ, मेरे पैर में दर्द हो रही है, फिर मेरे पैर पे कल चोट लग गई थी उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, अब मैंने पट्टी वट्टी लगा रही है लेकिन अब वो पेन करी है चलने में, अब यहाँ से मुझे एयरपोर्ट की तरफ चल के जाना है, आई थिंक यहाँ से 2 से 3 मिनट्स की वॉक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही है, अंडरग्राउंड है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा, और टाइम हो गया है 5:15, 7 बजे की फ़्लाइट है, तो 2 घंटे, तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सीधा भाग के अपने बोर्डिंग गेट्स पर पहुंच जाना चाहिए। तो अभी मेरे साथ हुआ है एक सीन, हुआ क्या, हर जगह मैंने लंदन में रेवलूट अपना टैप यूज़ करता गया, टैप यूज़ करता गया, तो जैसे मैंने टॉटनहैम हिल पे जब मैं गया था, मैंने वहाँ से टैप करके बाहर आया और स्टेशन के लिए भी मैंने टैप करा, टैप से दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, अब मैं जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला टिकट, तो मैं कहा आई डोंट हैव अ टिकट क्योंकि मैंने टैप करा है, कहता है कि आपको टिकट खरीदनी थी, तो मैंने कहा अगर मैंने टैप करा है स्टेशन में घुसने के लिए तो मैं टैप आउट भी तो करूँगा ना स्टेशन से, तभी तो जाके वो प्राइस कटेगा, कहता है कि नहीं यहाँ पे एडवर्टाइज़ करा होता है कि टैप नहीं कर सकते आपको टिकट खरीदना, मैं कहा कहाँ पे लिखा, मैं कहा कोई स्टेशन पे नहीं लिखा था, तो कहता है इस स्टेशन पे लिखा है, तो मैं कहा भाई इस स्टेशन पे लिखा है ना और कहीं पे नहीं लिखा, तो फिर मैंने कहा एनीवे अब मुझे क्या करना है, तो कहता है जो आपने वहाँ पे टैप किया था उसका कुछ नहीं कटेगा, बट यू नीड टू बाय अ टिकट राइट नाउ, तो मैं कहा कितने की टिकट है, कहता है वैसे तो 22 पाउंड्स की है, मैं कहा ओके, कहता है लेकिन आपने नहीं खरीदी थी इसलिए आपको 40 पाउंड्स देने पड़ेंगे, तो मेरा हैप्पी बर्थडे हो चुका है अभी, अभी मैंने 40 पाउंड दिए अभी यहाँ पे सिर्फ इस टिकट के लिए, मेरे रेवलूट में इतने पड़े नहीं थे, तो AIB भी चल जाते, AIB का कार्ड भी चल गया, तो मैंने AIB वाले कार्ड से पे करे 40 पाउंड बस यहाँ
बाहर आने के लिए थोड़ा मूड ऑफ हो गया क्योंकि वो सारा पैसा मैं ड्यूटी फ्री में यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं 40 pounds वहाँ दे दिया। गॉट माई बोर्डिंग पास मिल चुका है। आई एम नाउ रनिंग टुवर्ड्स द गेट। बहुत कम टाइम रह गया, जल्दी जल्दी जाना है मुझे। 5 minutes का बहुत टाइम लग गया हर चीज़ के लिए, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और काफ़ी बड़ा ये वाले गेट, काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट है। एंड मेरे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं बोर्डिंग गेट बंद होने में। 40 to 45 मैं पहुँच गया हूँ बोर्डिंग गेट्स तक। बस अब एंट्री लेनी है भाई, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले आ गया था, 2 घंटे में हो जाता बट हुआ नहीं। So now I'm here. Ab chalte hain fatafat se flight mein. You drift off into what it was. Can't hold on, let it go, let it fall into. Hey bhai, काफी बड़ा एयरपोर्ट है भाई। गॉड, इतने दूर दूर गेट्स बना रखे हैं। पैर दर्द हो गए मेरे पूरे, जल्दी से पहुंचना है। 5 मिनट रह गए बट यहाँ से गेट शुरू है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। What it becomes, but around what you don't got, that's how you kill off. What about? Finally, गेट आ गया। अभी भी चेक इन हो रही है, सही है। Good thing, time है। We made it, boys. We made it. So in the boarding gate, पसीने आ गए हैं। फ्लाइट पकड़ते हैं। By God, आज तक एक फ्लाइट मिस नहीं हुई है मेरी, आज तक। ये कैसे मिस होने देता भाई। लिटरली मेरे ना पैरों में खून नहीं चढ़ जाता, ऊपर वैसे खून से चढ़ रहा था, इतनी तेज़ भाग रहा था मैं। बट लेकिन पहुँच गया टाइम पे, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग थे। इट वॉज़ गुड। सो अब 1 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट 7 बजे शुरू होगी। सो 8:20 तक मैं ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा आयरलैंड। What's lost, it takes away from everything that you got. Like, you got it all in the palm of your hand. So let constant demand. So बैठ गया फ्लाइट में फाइनली। थक गया था, बढ़ना भागता भागता डब्ल्यू एन स्मिथ से एक मैंने मॉन्स्टर उठा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे भी बहुत तेज़ भागना होगा, मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने मॉन्स्टर ले ली थी। ये पीऊँगा और 1 घंटे में कॉर पहुँचूँगा। तो फाइनली रीच आयरलैंड, पहुँच गया हूँ कॉर डायरेक्ट फ्लाइट थी कॉर की 8:27 पे, तो मतलब 7:10 पे चली थी। तो 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। फिर बैग वैग तो लेना है नहीं, क्योंकि कुछ चेक इन कराया ही नहीं। दोनों बैग लादे हुए हैं, कंधे टूट चुके हैं, पैरों से खून आ रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आ रहा है, क्योंकि मेरे पैरों की उंगलियां बहुत पेन करती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज भागा दौड़ी बहुत है यार। आज की ये वाली फ्लाइट बहुत ज़्यादा वैसी सी रही यार। 40 pounds मेरे वहाँ चले गए, चेक इन में इतना टाइम लग गया, भाग भाग के मैंने ये पकड़ा है, दोनों बैग ऐसे थे। नॉट अ गुड फ्लाइट, मतलब गुड फ्लाइट और इतनी भागा दौड़ी अच्छी नहीं लगी। अब कल सुबह मेरा ऑफिस भी है और मेरे ऑफिस में सिर्फ फॉर्मल्स पहनते हैं, शर्ट्स। अभी रात को प्रेस करूँगा, फिर कल ऑफिस जाऊँगा। Life is brief, don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't no